अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम 9th क्लास की इंग्लिश का पैराग्राफ नंबर 6 करने जा रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 6 है हमारे पास, द रेवलेशन ऑफ द डिवाइन मैसेज। द रेवलेशन आमद या नजूल ऑफ द डिवाइन मैसेज। डिवाइन हम बोलते हैं खुदाई या रबानी, मैसेज पैगाम का, पैगाम रबानी की आमद। विच कंटिन्यूड, जो जारी रही, फॉर द नेक्स्ट 23 ईयर्स, अगले 23 सालों तक, हैड बिगन, शुरू हो चुकी थी, एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम हैड अराइज़न, उठ खड़े हुए थे, टू प्रोक्लेम, बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करने के लिए, वननेस, वहदानियत का, आप अल्लाह, अल्लाह की तौहीद यानी कि तौहीद की, एंड दी यूनिटी, और इतिहाद का, आप मैन काइंड, इंसानियत के। पैगाम रबानी की आमद, जिसने अगले 23 सालों तक जारी रहना था, शुरू हो चुकी थी, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अल्लाह ताला की वहदानियत और इंसानियत के इत्तेहाद का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करने के लिए उठ खड़े हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट है, हिज मिशन वाज, हिज मिशन, आपका मकसद, वाज था टू डिस्ट्रॉय, तबाह करना, द नेक्सस, बंधनों को, आप सुपरस्टिशन, तोहम परस्ती के, इग्नोरेंस, जहालत के, एंड डिसबिलीफ, और बेयकीनी के, सेट अप, कायम करना था, अ नोबल कंसेप्शन, आला व अरफा तसव्वुर, ऑफ लाइफ, जिंदगी का, एंड लीड, और रहनुमाई करनी थी, मैनकाइंड, इंसानियत की, टू द लाइट ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी की तरफ, एंड डिवाइन ब्लिस, और रज़ाए इलाही की तरफ। आपका मकसद, तोहम परस्ती, जहालत और बेयकीनी के बंधनों का खात्मा करना, जिंदगी का आला व अरफा तसव्वुर कायम करना, और इंसानियत की, ईमान की रोशनी और रज़ाए इलाही की तरफ रहनुमाई करनी थी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पैराग्राफ नंबर 6 पढ़ा, तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।